हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ओमेगा इंफिनिटी में। पिछले क्लास में हमने एसटीके था सिग्निफिकेंट फिगर और सिग्निफिकेंट फिगर के शर्तों को देखा था और सिग्निफिकेंट फिगर के शर्तों के आधार पर हमने ये भी प्रॉब्लम सॉल्व किया था कि सिग्निफिकेंट फिगर में कौन कौन सी किस तरह के अंक को काउंट किया जा सकता है, किस तरह के अंक को काउंट नहीं किया जा सकता है और सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, इसका डिफिनेशन क्या हो सकता है। तो यह टॉपिक जो है हम पिछले क्लास में स्टडी कर चुके हैं। अगर आप इस वीडियो पर नहीं देखे हैं सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या, सिग्निफिकेंट फिगर के नियम क्या होते हैं, किस किस को, किस तरह के अंक को, किस तरह के डिजिट को आप सिग्निफिकेंट फिगर में रख सकते हैं, तो उसके वीडियो को इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक में मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। और मैंने कुछ वीडियो प्रॉब्लम भी सॉल्व किया था, उसका भी आपको कुछ टॉपिक मिल जाएगा। क्योंकि वीडियो बना तो थोड़ा सा डार्क हो गया, इसलिए क्लियर नहीं हो पाया, ठीक है। तो आप थोड़ा सा सिग्निफिकेंट फिगर को बुक से देकर ज़्यादा स्टडी कर लेंगे, रीडिंग कर लेंगे, तभी आपको पूरा बेहतर कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। लेकिन आपको बेहतर कंसेप्ट में समझा भी दिया जाएगा, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे बुक के माध्यम से, तब तक आप क्लियर नहीं हो पाएंगे, ठीक है, आपका डाउट क्लियर नहीं होगा। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक आपका दो टॉपिक है, जिसमें आप एक नाम है मात्रक और बीमीय विश्लेषण। बीमीय विश्लेषण बीमीय विश्लेषण ठीक है। यूनिट्स यूनिट्स एंड डायमेंशनल एनालिसिस डायमेंशनल एनालिसिस यानी कि यूनिट्स एंड डायमेंशनल एनालिसिस। तो हमने स्टडी करते समय में मैंने बताया था कि यूनिट्स क्या होता है और डायमेंशनल एनालिसिस जानने का प्रयास करेंगे। यूनिट्स क्या होता है कि किसी भी राशि को माप करने के लिए एक मानक चुनने रहता है, किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए एक क्या कहते हैं स्टैंडर्ड वैल्यू को ये सिलेक्ट कर लिया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं यूनिट्स कहते हैं। जैसे लंबाई को हमको क्या करना है, मेजर करना है, तो उसका यूनिट्स क्या है, मीटर क्या है, मीटर है। बड़ा सा मीडियम के लिए मीटर है, छोटा उसे सेंटीमीटर होता है, मिलीमीटर होता है, बड़ा से डिस्टेंस के लिए किलोमीटर, यह सब क्या होता है यूनिट होता है। जैसे केजी को हमको मापना है, किसी वस्तु का वजन को मापना है, तो सबसे स्टैंडर्ड यूनिट यानी कि SI यूनिट तो केजी होता है, द्रव्यमान मापने के। लेकिन उससे छोटे भी यूनिट होते हैं, ग्राम होते हैं, लेकिन ज़्यादा हमने SI यूनिट आपको बताया था कि 7 तरह के आपके SI यूनिट बताए थे हम उसका, और उसका आपको यूनिट भी बताए थे, जिसमें लंबाई था, ताप था, पदार्थ की मात्रा था, ज्योतिष तीव्रता था, ठीक है, उसमें आपको विद्युत धारा था, ज्योतिष तीव्रता था, इसमें ताप टेम्परेचर, इस तरह के आपको समय था, ठीक है, उस तरह के 7 यूनिट थे और इसका यूनिट बताया था। यानी यूनिट का मतलब क्या हो गया कि किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए एक राशि चुन लिया जाता है, एक मानक चुन लिया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं यूनिट कहते हैं, क्या कहते हैं यूनिट कहते हैं, मात्रक कहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है डायमेंशन एनालिसिस, बीमीय विश्लेषण क्या है। तो चूंकि बीमीय डायमेंशन का मतलब क्या होता है, वही आपका यूनिट ही है, डायमेंशन का मतलब क्या होता है, एक यूनिट ही है, बस इसको क्या किया जाता है कि किसी भी राशि को जब हम क्या करते हैं कन्वर्ट करते हैं, मतलब एक राशि से दूसरे राशि में बदलने की प्रोसेस है, एक राशि से दूसरे राशि में, एक मात्रक से दूसरे मात्रक में बदलने की जो प्रोसेस है उसका नाम क्या है, डायमेंशनल एनालिसिस। यानी एक राशि के यूनिट को दूसरे राशि के यूनिट में क्या करते हैं कन्वर्ट करते हैं, तो उस कन्वर्ट करने के पूरे प्रोसेस का नाम क्या है, डायमेंशनल एनालिसिस, बीमीय विश्लेषण। बीमीय विश्लेषण जैसे हम बात करें कि बीमीय विश्लेषण कैसे आपको कुछ चेंज करें, तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देकर मैं बताऊंगा। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है डायमेंशन एनालिसिस में, कि एक क्वेश्चन दिया है कि एक जग में 2 लीटर दूध है, ठीक है, 2 लीटर दूध है। अब कहता है दूध का जो आयतन है, दूध का क्या है आयतन है, उसको क्या करें मीटर क्यूब में परिकलित करें, मीटर क्यूब में परिकलित करें, ठीक है, यही आपका डायमेंशन एनालिसिस है। डायमेंशन एनालिसिस तो यही तो है, यूनिट दे दिया आपको लीटर में, अब पूछ रहा है कि मीटर क्यूब में कन्वर्ट करें।
यानी कि एक यूनिट से दूसरे यूनिट क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करने के प्रोसेस का नाम क्या है, डायमेंशनल एनालिसिस, विमीय विश्लेषण, विमीय विश्लेषण। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, एक जग में 2 लीटर दूध है, दूध का आयतन जो है मीटर क्यूब में क्या करें, परिकलित करें। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे, चूंकि हल करेंगे, चूंकि लिखेंगे 1 लीटर बराबर आपका होता है 1000 सेमी क्यूब। ठीक है, नहीं याद हो तो याद कर ले कि 1 लीटर बराबर क्या होता है, 1000 सेमी क्यूब होता है। ठीक है, और 1 मीटर बराबर क्या होता है आपको, 100 सेंटीमीटर होता है। 1 लीटर बराबर 1000 सेमी क्यूब और 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। क्लियर, अब क्या करेंगे, इसको 1 मीटर को हम कन्वर्ट कर देंगे इसमें सेंटी में, तो क्या आएगा आपका, यानी डायरेक्ट इसको अगर हम कन्वर्ट करना चाहें तो हमको इस लीटर को डायरेक्ट बदलना है सेमी में। ठीक है, चलिए 1 लीटर बराबर इतना हो गया, तो 2 लीटर बराबर कितना हो जाएगा, ऐसे ही कन्वर्ट करेंगे, 2 लीटर बराबर 1 लीटर बराबर इतना हुआ था, 2 लीटर बराबर क्या होता है 2000। क्लियर, 1 लीटर बराबर 1000 सेमी क्यूब, तो 2 लीटर बराबर 2000 सेमी क्यूब हुआ ना। क्लियर, अब हमको क्या करना है, मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, मीटर क्यूब में। तो चूंकि 1 मीटर में क्या होता है 100 सेंटीमीटर, ठीक है, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, यहाँ पर हो गया आपका 2000, यहाँ पर कितना सेमी है, सेमी का मतलब कितना हुआ, सेमी का मतलब क्या हुआ, 3 सेमी है, सेमी क्यूब मतलब 3 सेमी। तो 1 सेंटीमीटर को अगर हमको 100 सेमी बराबर होता है 1 मीटर, यानी कि 1 सेमी बराबर हो जाएगा 1/100 मीटर, यानी 1 सेंटीमीटर कन्वर्ट करने के लिए 100 का आवश्यकता पड़ रहा है, 1 मीटर 1 सेंटी को कन्वर्ट करना मीटर में 1/100, यानी कि 100 से डिवाइड करेंगे 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। यहाँ पर कितना सेंटी है, 3 सेंटीमीटर है, कितना सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, इसलिए हम इसको 3 सेंटीमीटर यानी कि 1212 यानी कि 60 से डिवाइड करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 2 0 2 0 कट गया, 1 0 1 0 कट गया, बच गया आपका 2/1 2 3 1 2 3 और 0.002 मीटर क्यूब। क्लियर, यानी कि आपका इतना मीटर क्यूब उसका क्या हो गया, वैल्यूम हो गया, किसमें, मीटर क्यूब में। यानी यही तो है आपका डायमेंशनल एनालिसिस, क्या है आपका, डायमेंशनल एनालिसिस, और इसका सॉल्यूशन करने पर आपका आ गया 2 × 10⁻³ का है, चाहे इतना मीटर क्यूब का है। यानी कि एक यूनिट से दूसरे यूनिट में हम कन्वर्ट करते हैं तो उसका नाम क्या है, डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशनल एनालिसिस। चलिए और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस के आधार पर कैसे होगा। दूसरा क्वेश्चन दिया है कि 2 दिनों में कितने सेकेंड होते हैं, 2 दिनों में कितने सेकेंड होते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, 2 दिनों में, 2 दिनों में कितने सेकेंड होते हैं, कितने सेकेंड होते हैं। अब देखिए, ये भी आपका डायमेंशन एनालिसिस ही है, विमीय विश्लेषण से ही है। अब कह रहा है कि 2 डेज को आप सेकेंड में क्या करें, कन्वर्ट करें, 2 डेज को किस में कन्वर्ट करें, सेकेंड में कन्वर्ट कर दें। तो हम लिखेंगे, क्योंकि क्योंकि 1 डे बराबर 24 आवर, इसलिए 2 डे बराबर 24 × 2 = 48 आवर्स। क्लियर, 1 डे में 24 घंटा, 2 डे में 48 घंटा हो गया। अब देखेंगे, चूंकि 1 आवर्स बराबर 60 मिनट हो गया, इसलिए 1 आवर बराबर आपका हो जाएगा, आवर होगा 60 × 60 3600 सेकेंड, कितना हो गया 3600 सेकेंड।
एक घंटा में 60 मिनट होता है और एक मिनट में 60 सेकंड होता है, इसलिए 60 × 60 3600 सेकंड हो गया एक घंटा में। अब कितना पता करना है, 48 आवर में, कितना में 48 आवर में, तो हम 48 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसलिए 2 48 आवर्स बराबर आपका हो जाएगा 48 × 3600। ठीक है, अब इसको आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा लगभग 1728 00 सेकेंड, 1728 00 सेकेंड। यह आपका क्या होगा डायमेंशनल एनालिसिस, इसी का नाम क्या है डायमेंशनल एनालिसिस, द्विमीय विश्लेषण। ठीक है, ये आपका डायमेंशन बिना एनालिसिस है। अब चलिए और भी आपको टॉपिक देख रहे हैं, अब आपको रुकिए, अब नोट्स से थोड़ा नोट्स से देख रहे हैं, नोट्स में क्या प्रॉब्लम है, नोट्स से आपको दे रहे हैं सॉल्यूशन, एनसीईआरटी केमिस्ट्री नोट्स। ठीक है, आपको नोट्स से हम दे रहे हैं, चलिए इसमें आप देखते हैं डायमेंशन एनालिसिस में किस तरह का क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्वेश्चन दिया है 4 लीटर जल के आयतन को मीटर क्यूब में परिवर्तित करें, इस तरह का क्वेश्चन मैंने अभी सॉल्व किया, इस तरह क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं लिख देता हूं आपको, क्वेश्चन दिया है 4 लीटर जल के आयतन को क्या करें मीटर क्यूब में बदले। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन का सोल्यूशन हमने अभी किया जो जग वाला था जिसमें दूध वाला था, तो इस तरह के क्वेश्चन को आप इसको सॉल्व कर लेंगे और आंसर बनाकर कमेंट में देंगे। ठीक है, आंसर बनाकर कमेंट में देना कितना सोल्यूशन आता है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन है, दिया है एक भारतीय पुरुष की ऊंचाई 5 फीट 6 इंच होती है, 5 फीट 6 इंच होती है, तो कह रहा है इसे आप किसी में बदले मीटर में बदले। अब देखिए यही तो डायमेंशन एनालिसिस है, द्विमीय विश्लेषण, आपका ऊंचाई हाइट जो दिया है 5 फीट 6 इंच में दिया है, अब कह रहा है इसकी हाइट को आप मीटर में क्या करें कन्वर्ट करें, तो एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करने का प्रोसेस का नाम क्या है डायमेंशनल एनालिसिस। हमारा चैप्टर चल रहा है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री क्लास 11 चैप्टर नंबर 1। ठीक है, तो ये आपका डायमेंशनल एनालिसिस है। चलिए अब हम बात करते हैं एक इंच बराबर आपका होता है 2.45 मीटर, एक इंच बराबर 2.54 क्या होता है मीटर होता है, इसी प्रकार एक मीटर बराबर आपको तो पता है 100 सेंटीमीटर होता है। अब चूंकि 5 फीट एक फीट बराबर, ठीक है, तो एक फीट बराबर आपका होता है 12 इंच, क्या होता है 12 इंच, तो इसलिए हो जाएगा 12 × 5 + 6 = 12 × 60 = 66 इंच। क्लियर, 66 इंच हो गया, कितना हुआ 66 इंच, यानी कि एक इंच बराबर इतना मीटर, तो 66 इंच बराबर, इसलिए 66 इंच बराबर 66 × 2.54 मीटर। ठीक है, चूंकि हमको किसी में कन्वर्ट करना है मीटर में कन्वर्ट करना है, तो एक इंच बराबर इतना मीटर होता है, तो 66 इंच बराबर कितना हो जाएगा, तो 66 इसमें क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे आपको 66 से,
चलिए इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आपका हो गया 66 मल्टीपल 2.54, ठीक है, आपका आया 167.64 मीटर, इतना आपका इंच सॉरी यहाँ पर मीटर आंसर आ गया। क्लियर, ये रहा आपका डायमेंशनल एनालिसिस। क्या रहा आपका डायमेंशनल एनालिसिस, क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम है कि एक इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर का क्या होता है, सेंटीमीटर होता है, इसलिए यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 66, एक फीट में 12 इंच इतना 66 इंच, 66 इंच बराबर इतना इतना सेंटी, यहाँ पर क्या इतना सेंटी, इतना सेंटीमीटर हो गया ना। अब कन्वर्ट कर रहा है मीटर में, लिखेंगे चूंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, ठीक है, इसलिए इतना सेंटीमीटर आपको डिवाइड कर देंगे 167.64 बाय क्या करेंगे 100, तो 100 से करेंगे तो बने 1.6764 मीटर, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा डाउट हुआ था कि सेंटीमीटर यहाँ पर क्या होता है, आपको सेंटीमीटर मीटर नहीं होता है। फिर तो इस तरह का आपको क्वेश्चन है डायमेंशन एनालिसिस, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे नेक्स्ट टॉपिक आपको कॉम्बिनेशन ऑफ लॉ ऑफ रिएक्शंस, यानी कि रासायनिक संयोग के नियम को लेकर आएंगे, जो बहुत बेहतर कंसेप्ट है। तो इसी तरह आप देखते रहिए और वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स, मैं बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।